हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, मैं आज आप सबके लिए हाजिर हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वन के और टू के हिंदी के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके, और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी और उनके नोट्स भी। यानी कि आज हम सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलते रहें। इससे पहले गाइस, मेरी वीडियोस आ चुकी हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर वन की हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, एनवायरमेंटल साइंस की। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। उसके साथ साथ उन सब के नोट्स भी अवेलेबल हैं, सेमेस्टर वन के भी और टू के भी, जिसकी वेबसाइट रहेगी notes.jasmeetclasses.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, उसके बाद ये सभी टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस विद आंसर्स के नोट्स कहाँ मिलेंगे वो भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके सेमेस्टर वन और टू के लिए रहेगा। जो ये टॉपिक रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि जो बच्चे इस साल एग्जाम देंगे 2020 में, सिर्फ उनके लिए रहेंगे। जब तक अब ये सिस्टम चलता रहेगा सेमेस्टर वाला, तब तक ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भक्ति कालीन, ठीक है? इसके सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने आपको बताऊंगा कहते हैं इस वीडियो के एंड में कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके आंसर्स भी, ठीक है? तो यानी कि एक आपका जो टॉपिक है भक्ति कालीन वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं हिंदी भाषा का योगदान। भाई, अगर बात हिंदी सब्जेक्ट की हो रही है तो हिंदी भाषा को कैसे भूल सकते हैं, हमारी मातृभाषा है देश की, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं मीरा के पदों का सार, ये भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस साल एग्जाम्स में रहेगा ही रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे हिसाब से इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा और वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि आपका जो कहते हैं एग्जाम रहेगा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी कविताएं ज्यादा होंगी और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे, इसके साथ साथ आपकी कविताएं भी दी जाएंगी। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन सेमेस्टर में ऐसा होगा, ठीक है? तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कविताएं कौन कौन सी आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कबीर की कविताओं पर चर्चा करें, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं धनानंद का जीवन, ये गाइस बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसकी भी आप खास तरीके से प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं गाइस, एक क्वेश्चन बनता है बिहारी वाला, ये बहुत ज्यादा गाइस इंपॉर्टेंट कहते हैं टॉपिक आपका पूरी बुक में से, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं बादल को घिरते हुए देखें और कहते हैं उसमें कहते हैं क्या विचार प्रकट किए, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मेरे हिसाब से नागार्जुन की काव्य भाषा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो ये थे गाइस आपके 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? तो मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेडी किए थे विद 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ में, ठीक है? इसी के साथ साथ कुछ कविता ही रहेंगी, ठीक है? मेरे हिसाब से 10 के आसपास कविताएं होंगी। अगर आप वो कविताएं कर लेती हैं तो डेफिनेटली आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, और जो टॉपिक दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं में से आपका एग्जाम रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वो आपका एज इट इज आएगा, लेकिन ये रहेगा कि इसी टॉपिक में से आपका हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो कहने की बात यह है कि अब सबको इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अब क्वेश्चन और आंसर्स कैसे मिलेंगे, तो गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है नोट्स को, वहां पे जाके आप नोट्स दे सकते हैं। नोट्स हिंदी के अवेलेबल है, हिस्ट्री के भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस के अवेलेबल है और एनवायरमेंटल साइंस के भी अवेलेबल है, ठीक है? तो कहने की बात क्या है, मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आंसर्स दिए हैं और कुछ कविताएं दी हैं, जो कि अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मिनिमम 50 to 60 मार्क्स कहीं पर भी नहीं गए, ठीक है? अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते
तो भी आप आराम से पास हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए थे उन्हीं में से पेपर आया था, और बच्चों ने मिनिमम से मिनिमम 60 मार्क्स अर्न किए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, जिनका कहते हैं सेमेस्टर वन है, जिनको अभी कुछ आइडिया नहीं है, वो ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें। नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके नोट्स लें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो अप्रैल एंड में होंगे और मई फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि ठीक अभी आपके पास कहते हैं मार्च स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो यानी कि 1.5 से 2 महीने बाकी हैं अभी आपके पास एग्जाम्स के लिए, तो अभी से पढ़ना आपको स्टार्ट करना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।